एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने 4 सालों तो वध वक्फे मगरों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पुत्र रणिंदर सिंह नूं मुड़ तलब कीता है। उन्होंने 27 अक्टूबर नूं पेश होने लई कहा गया है। इस तो पहला ईडी ने रणिंदर सिंह नूं 21 जुलाई 2016 नूं जांच लई सद्या सी। रणिंदर सिंह विरुद्ध फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा तहत केस चल रहा है। ईडी ने स्विट्जरलैंड नूं भेजे गए फंड जकरांदा ट्रस्ट बनाउण अते ब्रिटिश वर्जन आयलैंड च पैसे दा कथित तौर ते लैण देण करन संबंधी पुछ पड़ताल कीती सी। उदों रणिंदर सिंह कोल 4 घंटे पुछगिछ कीती गई सी अते उन्हां दे वकील जैविर शेरगिल दी हाजिरी विच बयान दर्ज कीते गए सन। इस वड्डी जानकारी लई असीं चंडीगढ़ तों ब्यूरो चीफ अश्विनी चावला नाल जुड़ चुके हां ते जानदे उन्हां नाल जिहड़ी ईडी वल्लों पुछताछ दी गल आखी गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सपुत्तर नूं। अश्विनी जी, की है पूरा मामला? इह अरविंदर, इह जिहड़ा मामला है 2005-2006 विच है, जदों इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट से रणिंदर सिंह वालों जिहड़ी जानकारी दिती गई सी इनकम टैक्स नूं, उहदे विच कुछ विदेशी अघोषित संपत्तियां ने जिहड़ी उन्हां ने जानकारी नहीं दिती इनकम टैक्स नूं कि उन्हां कोल यूएई ते ब्रिटेन विच कुछ प्रॉपर्टीज हैगियां ने, ते इस बारे जानकारी ना मिलन तों बाद इनकम टैक्स दे जदों जानकारी च आया कि इन्हां कोल प्रॉपर्टीज काफ़ी हैगियां ने, उन्हां ने अपनी घोख कीती। घोख करन तों बाद इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले से पड़ताल शुरू कर दी सी। पड़ताल शुरू करने तो बाद मामला आउट ऑफ इंडिया होने करके ईडी नाल सांझा किया गया सीगा। इस तो बाद ईडी ने इस पूरे मामले नूं अपने कोल लेके एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने तो बाद साल 2016 दे विच पहली बारी रणिंदर सिंह नूं बुला के पूछताछ की गई सी। अश्विनी, जिस प्रकार ए किसानां दे मुद्दे नूं लेके इजलास जिहड़ा पंजाब सरकार वल्लों बुलाया गया सी, कितने ना कितने विरोधी तेरी जिहड़ी कांग्रेस आगू है, खासकर जे प्रधान की गल की जाए तो हरीश रावत की, उन्होंने भी एक ट्वीट करके कहा कि जदों सही टाइम किसानों का सीगा उदों ही ईडी वालों ये नोटिस जारी किया गया, इसके की मायने निकलते हैं? देखो, एक जांच एजेंसी निष्पक्ष तौर से जांच कर रही है या नहीं कर रही, ये तो इस पर ज्यादा जानकारी उन्होंने होगी। जिथे तक सियासी हमले की गल है, कांग्रेस वालों कहा जा रहा है कि भी असि किसानों के पक्ष में एक बिल लेके आए जिन्हें एक्ट का रूप लेना है, जिस बिल ने केंद्रीय एक्ट को खत्म करना है, उसी सारे घटनाक्रम के ईडी वालों समन जारी किए गए ने। कांग्रेस का सीधे तौर पर दोष है कि नरेंद्र मोदी वालों से भाजपा की जी केंद्र सरकार है उस वालों ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिहड़ा मामला 2016 के आया उस वक्त 4 साल उस मामले किसी ने नहीं पूछा, अचानक ही खेतीबाड़ी कानूनों तो बाद यह मामला चुक लिया जाता है। हालांकि जिहड़े ईडी के सोर्स ने वो ये कह रहे हैं कि हाल के इनकम टैक्स ने यह सारी जानकारियां ईडी नाल सांझा कीतियां ने, उही मामले नूं लैके ईडी ने बुलाया, क्योंकि पहले ईडी को उस स्तर दीआं जानकारियां नहीं सी, जिस स्तर दीआं हुण जानकारियां पहुंच गईआं ने। पैरलर चल रहा है, एक पासे सियासत चल रही है, दूजे पासे जांच एजेंसी जांच कर रही है। हुण जांच एजेंसी के उपर सियासत का कितना दबाव है, जैविर शेरगिल की कहना इस पूरे मसले से? देखो, पहले कह चुके कि उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है, इसकी कोई भी उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है, ते उन्होंने जेडे उन्होंने दोष लग रहे हैं वो शुरू तो ही इनकार करते आए हैं। तो उन्होंने पहले ही दिन तो कहा है कि जेडी भी जानकारियां इनकम टैक्स में दी जानी चाहिए सी, ईडी नूं जानकारियां देनी चाहिदियां सी, वो पहले दिन ही उन्होंने दित्तियां ने। ये सिर्फ ते सिर्फ सियासी तौर से उन्होंने उपर मामला दर्ज करके एक सियासी तौर से उन्होंने फसाया जा रहा है। इस तो इलावा जमीनी स्तर से कुछ नहीं है, ना ही उन्होंने कोई गड़बड़ की है, ना ही उन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी जायदाद या फिर तुम कहो पैसे के मामले कुछ ईडी या इनकम टैक्स तो छुपाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी साडे नाल इस खबर लई जुड़न लई। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।